दिल्ली शराब घोटाले में ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर अरविंद केजरीवाल का पक्ष सामने आया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष साफ रख दिया है। उस पक्ष में केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पिछले 2 साल से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा छापे मारे गए, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल उठाए हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा कहाँ गया, अगर भ्रष्टाचारी हुई है तो जो करोड़ों रुपए की बात सामने आ रही है उसमें पैसा क्यों नहीं मिला। तो ये बात केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई है। साथ ही आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं को जेल में रखा हुआ है, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। ये बात भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में अब और नेताओं, अब केजरीवाल पर भी ये जो शिकंजा है वो कसने वाला है, या फिर उनके सर पर भी एक तलवार लटक रही है और उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि कोई सबूत नहीं है फिर भी गिरफ्तारियां चल रही हैं, तो आगे क्या होगा, इसको लेकर बहुत से सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं। जो समन उनको भेजा हुआ है उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये फर्जी समन है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, जो ये समन भेजा गया है ये गैर कानूनी है। इतनी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी है कि अगर ये समन गैर कानूनी नहीं होता तो वो इसका जवाब देते, लेकिन उन्हें ये गैरकानूनी लगता है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें समझाया कि ये गैरकानूनी तरीके से उनके पास आया है, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, सवाल जवाब के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं पहुँच रहे हैं। अब साथ में गैरकानूनी तो उन्होंने बोल दिया है, लेकिन बीजेपी पर पलटवार करते हुए या फिर बीजेपी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का मकसद जांच करना नहीं है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचार करने से रोकना बीजेपी का मकसद है। इसीलिए 2 महीने पहले, लोकसभा चुनावों के 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी का ये समन भेजा गया है। ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ठीक, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने मुझे नोटिस भेजा, आखिर क्यों भेजा, लोकसभा चुनाव से पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बुलाया, ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने 8 महीने पहले मुझे बुलाया था, मैं गया, सारे सवालों के जवाब दिए और अच्छे से बातचीत हुई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। इसमें बीजेपी का मकसद यही है कि वो पूछताछ करना नहीं चाहते हैं बल्कि केजरीवाल को प्रचार करने से रोकना चाहते हैं, ये बातें केजरीवाल ने कही हैं। इसके बाद ही अगर पार्टी की बात करें तो उन्होंने पार्टी के बारे में ये बात करते हुए कहा कि बीजेपी जो नेता बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ ये गैरकानूनी नोटिस जारी कर रही हैं। अगर नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके जितने मामले होते हैं वो रफा दफा कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता जिन पर ये पूरे मामले की जाँच चल रही है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ही उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये सभी आरोप अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर हमने कोई गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्ट नेताओं की तरह हम भी बीजेपी में शामिल हो गए होते। तो इस बात को बताते हुए उन्होंने ये कहीं ना कहीं कह दिया है कि अगर हम गलत होते तो हम बीजेपी में शामिल हो जाते, ताकि जितने मामले उन पर चल रहे हैं वो रफा दफा कर दिए जाते, लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि कोई गलत काम नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, गैरकानूनी समन भेजा जा रहा है, प्रचार चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये पूरी जो तैयारी है बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ की जा रही है। लेकिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नज़र आए हैं कि ये जो भी कुछ चल रहा है ये हमारे गणतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, ये गलत है, इसे रोकना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूँ, मेरा तन मन धन देश के लिए है। और अपनी बात को ख़त्म करते हुए उन्होंने ये बात तक कह दी है कि मेरी एक एक सांस, एक एक खून की बूंद देश के लिए है, मेरा शरीर का एक एक कतरा देश के लिए ही समर्पित है, हमें मिलकर इनको हराना है, मुझे आपका साथ चाहिए। तो ईडी के समन पर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि किस तरीके से वो इस समन को देखते हैं, किस तरीके से वो बीजेपी को देखते हैं। आपकी क्या राय है अरविंद केजरीवाल की इन बातों पर, या जो भी उन्होंने आरोप या सवाल उठाए हैं बीजेपी पर और साथ ही साथ ईडी के उस समन पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।